झारखंड में नई सरकार का गठन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए। चंपई ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। उनके अलावा दो और मंत्रियों सत्यानंद भुक्ता और आलमगीर आलम को भी शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री चंपई अपने कैबिनेट सहयोगी सत्यानंद भुक्ता से उम्र में बड़े तो वहीं दूसरे सहयोगी आलमगीर आलम से छोटे हैं। संपत्ति के मामले में सोरेन मंत्री सत्यानंद से ज़्यादा अमीर हैं, जबकि दूसरे मंत्री आलमगीर आलम से पीछे हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो मंत्री आलमगीर तीनों में से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। चंपई संयुक्त बिहार में 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे, फिर 1995 में झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद 2005, 2009, 2014 और 2019 में चंपई झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके साथ ही तीन बार झारखंड सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 2019 में चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,55,00,000 बताई थी। 53 साल के सत्यानंद भुक्ता मुख्यमंत्री और मंत्री में सबसे कम उम्र के हैं। वहीं दूसरे मंत्री आलमगीर की उम्र 70 साल है, मुख्यमंत्री की उम्र 67 साल है। पाकुड़ सीट से जीते मंत्री सत्यानंद ने 2019 में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 77,58,000 बताई थी। इस तरह दूसरे मंत्री आलमगीर आलम ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 7,02,00,000 बताई थी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 10वीं पास हैं। उन्होंने 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की थी। वहीं मंत्री आलमगीर ने 1974 में भागलपुर विश्वविद्यालय के साहिबगंज कॉलेज से BSc की है। इस तरह दूसरे मंत्री सत्यानंद ने 1994 में हिंदी विद्यापीठ देवघर से 10वीं की पढ़ाई की है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ED ने बुधवार की शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। उन्हें गुरुवार को ED की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया। ED कोर्ट से रिमांड लेने के लिए आग्रह की गई, जिसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रांची के PMLA अदालत ने 5 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।